नमस्कार, मैं अखिलेश पटेल, कथक डांसर और एक कोरियोग्राफर, जबलपुर मध्य प्रदेश से आप सभी के समक्ष आज उपस्थित हूँ अपनी नृत्य प्रस्तुति के साथ। सर्वप्रथम मैं धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहूँगा उत्कलिका संस्थान को और आदरणीय गुरु श्री शेखर सुमन मांझी जी को, जिन्होंने मुझे यह अवसर दिया है आपसे इस फेसबुक लाइव मंच के माध्यम से अपनी प्रस्तुति दिखाने का। इस फेसबुक लाइव के माध्यम से आज हमारी प्रस्तुति में उपस्थित हुए सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत अभिनंदन है, वंदन है, स्वागत है और सभी गुरुजनों और गुरुजनों का आशीर्वाद लेते हुए आज की इस प्रस्तुति को शुरू करना चाहूँगा। लेकिन उससे पहले आप सभी को यह बताना चाहूँगा कि आज की इस प्रस्तुति में तीन भाग होंगे। सबसे पहले मैं प्रस्तुत करना चाहूँगा भगवान गणेश की स्तुति और इस वंदना के साथ ही आइए आप और हम सब मिलकर भगवान गणेश से यह प्रार्थना करते हैं कि हमारे देश में, हमारे विश्व में फैली इस महामारी से हम सभी बहुत ही जल्द छुटकारा पा जाएं और जैसी जिंदगी, जैसा जीवन शैली हमारा पहले था वैसे ही सब हो जाए। और इसी प्रार्थना के साथ शुरू करूँगा गणेश वंदना। अनुमति दीजिएगा और आप सभी से पहले ही क्षमा प्रार्थी हूँ यदि कुछ गलतियाँ हो जाए तो, क्योंकि अभी और कुछ बहुत कुछ सीखना है और अभी भी हम सीख ही रहे हैं। प्रस्तुत है आप सभी के समक्ष गणेश वंदना। Thank you.
ये थी गणेश वंदना कथक में। और अब इसके बाद चलते हैं द्वितीय भाग की तरफ, जो कि है तार, तीन तार 16 मात्रा में। एक छोटी सी खान के साथ शुरू करते हुए खाज, आमद, परन, गद्यकास और चक्रधार परन करते हुए तिहाई से इस तार, तीन तार की ताल पक्ष का समापन करूँगा। और इसमें जो भी गलतियाँ हों पुनः एक बार क्षमा प्रार्थी हूँ। प्रस्तुत है ताल, तीन ताल मात्रा 16। Okay,
बस कुछ ही क्षणों में हम आपके सामने पुनः उपस्थित होते हैं। ये था ताल तीन का 16 मात्रा में कुछ ताल पक्ष की टेक्निकल चीज़ें। अब आपके समक्ष प्रस्तुत है भावपक्ष। भावपक्ष में आज उत्तरिका संस्थान के सभी दर्शकों के लिए एक छोटी सी कोशिश। प्रसंग है माखन चोरी का। मैया यशोदा और नटखट कान्हा के बीच एक छोटी मोटी प्यारी सी नोकझोंक, जिसे आप और हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं, जिसे हम कहते हैं माखन चोरी। तो कथा कुछ इस प्रकार है जो इस प्रसंग में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। हमें सब पता है कि नटखट नंदलाला बचपन में माखन चोर हुआ करते थे। माखन उन्हें कितना प्रिय था। तो एक बार उन्हें भूख लगी, मैया ने खाने का डब्बा बांध के दिया था, लेकिन उन्हें वो खाना नहीं था। उन्हें याद आया घर पर माखन रखा हुआ है, तो वो घर गए, चोरी छुपे, मटकी देखी, मटकी फोड़ दी और माखन खाने लगे। लेकिन जैसे ही उन्हें इस बात का एहसास हुआ, अनुभूति हुई कि माता आने वाली है, माता के कदमों की आहट उन्होंने सुन ली, तो नन्हा सा बालक कहाँ छुपता। तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली और ये सोच लिया कि अब मैया तो मुझे देख नहीं पाएगी। लेकिन मैया आई, उसके कान पकड़े और उसे खूब डांटकर खूब मार लगाई। और उसके बाद कान्हा ने अपनी मैया को मनाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के बहाने किए और कहा, मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। सुबह सुबह तो मैं गैया को चराने चला जाता हूँ, शाम को थक हार के आता हूँ, तो मैं कहाँ से माखन खाऊंगा। मैं तो इतना छोटा सा बालक हूँ, मेरे हाथ इतने छोटे से हैं, इतनी ऊंचाई पे बंधी छींक मैं कैसे पा पाऊंगा। ग्वाल बाल ने तो जबरदस्ती मेरे मुंह पर माखन लगा दिया है ताकि तुम मुझे डांटो। और तुम ये गांव की औरतों पे विश्वास करती हो? ये तो तुमसे बैर करती हैं, इसे तुम्हारे मन में भेद करती हैं। मुझे पता है मैं तुम्हारा लल्ला नहीं हूँ, तुम मुझे कहीं से लेकर आई थी। इस प्रकार के भिन्न भिन्न बहाने बनाते हैं और अंत में मैया यशोदा कृष्ण जी नटखट लीलाओं को देखकर आनंद विभोर होती है और स्वयं ही उसे गोद में लेकर खिलाती है और अपनी गोदी पर बैठा कर अपने हाथों से उसे माखन खिलाती है और लाड़ लगाती है। और इस प्रकार से कान्हा को अपनी गलती की अनुभूति होती है, स्वयं भी अपनी गलती मान लेते हैं और कहते हैं, मैया मैंने ही माखन खाया है, मैंने ही माखन खाया है। और इस प्रकार से इस माखन चोरी प्रसंग का समापन होता है। तो आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है माखन चोरी, जिसका निर्देशन किया है कथक नृत्यांगना आदरणीय श्रीपर्णा चक्रवर्ती दीदी ने, और इसमें निखार लाया है, इसे पॉलिश किया है मेरी गुरु आदरणीय श्रीमती वैशाली पाटिल देसाई जी ने। कुछ गलती हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ। लीजिए प्रस्तुत है माखन चोरी।
ये थी आप सभी के समक्ष मेरी अखिलेश पटेल की कथक प्रस्तुति। आशा करते हैं आप सभी को पसंद आई होगी। इस प्रस्तुतिकरण में जो भी गलतियां हों, जो भी त्रुटियां हों, वो सभी मेरी गलती मानकर मुझे क्षमा करें। और यदि आपको इस प्रस्तुतिकरण में कुछ भी जरा सा भी अच्छा लगा हो तो मेरी गुरु का आशीर्वाद है, गुरु की सीख है। एक बार पुनः उत्तरिका संस्थान के सभी सम्मानित सदस्यों को, साथ ही आदरणीय गुरु श्री शेखर सुमन मांझी जी को मैं धन्यवाद देता हूं और अपना आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे आपके मंच पर अपनी प्रस्तुति का एक सुअवसर प्रदान किया है। और मेरी शुभकामनाएं हैं और बधाई के पात्र हैं आप सभी। और इस कार्यक्रम में आने वाले सभी कलाकारों की प्रस्तुतियों को आप सभी व्यूवर्स की आवश्यकता है, उन्हें भी सराहिए, उनकी प्रस्तुतियाँ भी देखिए। अभी कुछ प्रस्तुतियां हो चुकी हैं, आगे आने वाली भी हैं। और आप सभी से एक विनम्र निवेदन है, हमारे देश में फैली महामारी से आप और हम सब अछूते नहीं हैं, तो आप सभी अपने घर पर रहें, अपने और अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने देश का ध्यान रखें। और बस यही प्रार्थना है ईश्वर से, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।